नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माँ भगवती से यही कामना है कि जो नववर्ष है आप सभी के जीवन में खुशहाली लेके आए। बाकी लगातार व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे घर में रेनोवेशन का कार्य चल रहा है बहुत ही भयंकर लेवल पर। सारा सामान कमरे का बाहर निकला हुआ है, सोने तक के लाले पड़े हुए हैं, कहाँ रहें, क्योंकि मैं अभी जो है कमरा दिखाऊंगा आपको कितना उथल पुथल बचा हुआ है, सामान सब बाहर है। तो इसी चक्कर में जो है व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ प्रॉपर। बाकी ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप सभी को एक बार नववर्ष की जो है शुभकामनाएँ दे दूँ। बाकी पहले दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके का सामान बिखरा पड़ा है, और छोटा ही ब्लॉग होगा ये, ज़्यादा कुछ होगा नहीं उसमें, बस यही दिखाऊँगा मैं कितना जो है आजकल हमारे पूरे कमरे घर में जो उथल पुथल मची हुई है, दिखाता हूँ आपको। चलो तो ये है हमारा छत का एरिया जहाँ सारे गद्दे कपड़े बिखरे पड़े हैं, ये देखो आप। और यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे तो ये है हमारे नीचे का एरिया। देखो मेरे कमरे का बेड खोल के इस तरीके का रखा हुआ है क्योंकि अंदर सारे पेंट का काम चल रहा है, सामने उधर सामान रखा हुआ है, ये TV यहाँ पड़ी हुई है। चलो नीचे चल के दिखाता हूँ आपको कमरा, देखो इस तरीके का कार्य चल रहा है। ये देखो ये आधा सामान ये है। अरे वाह, ये कमरा हो गया है रेडी हमारा, टनाटन। यहाँ पिंक और यहाँ आपका क्रीम। देखो पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ है। अरे हाँ, ये ऐसे नीचे भी हो रहा है ना। दो कलर, ये है थोड़ा सा आपका क्रीम कलर, ये है पिंक, और इधर है हमारे कमरे के हाल। देखो मेरे कमरे की तो बुरी स्थिति हो रही है अभी अभी तो पहले पुट्टी चल रही है, ये देखो कुछ नहीं है, एक लॉकर और एक इन्वर्टर को छोड़ के कमरे में ये हाल है। बाप रे, और ये है देखो सामान का डैम्प। ले यू भी है। तो दोस्तों ये हो रही है अब रात में सामान संभालने की तैयारी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेईमान हो रखा है। रात को बारिश आए उससे बढ़िया पहले ही इंतज़ाम करके रखते हैं। सुबह से शाम हो चली है और हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है, ये देखो। और ये एक कमरा तो हो गया है भाई चाचा तैयार, बस ये सूखेगा आज। आज नो एंट्री है यहाँ, ये हो गया है, ये कमरा हो गया है, यहाँ कल से खुलेगा। और ये है हमारे कमरे की हालत, कोई नहीं कल ये भी चमक जाएगा, कल ये भी चमकेगा। हाँ धोया, पुट्टी पुट्टी की है ये है, और ये सब निकालेंगे, सब निकालेंगे। और ये है सामान, देखो सामान डैम पे देखे तुम। तो चलिए दोस्तों अब समय है रात्रि विश्राम का, और आज हम आए हैं, मैं आया हूँ सोने लक्ष्मण के रूम में। लक्ष्मण तो अभी यहाँ है नहीं, आज गैसन गया हुआ है। और ये है हमारा धुरपई वाला मकान, ये वही कमरा है जहाँ से हमने एक कॉमेडी वीडियो है जो चाय वाला है, चाय वाली कॉमेडी वीडियो है जो मेन चैनल पर आई थी, चाय पहाड़ और पहाड़ी और चाय प्रेम समथिंग कुछ ऐसा करके है, काफ़ी पहले 2 साल पहले बनाई थी मैंने। तो उस वीडियो की शुरुआत इसी कमरे से हुई थी, तो ये वही कमरा है, आज का विश्राम यहीं पे है। बाकी अगले कुछ जो 2-4 दिन हैं वो ऐसे ही रहेंगे डामाडोल। व्लॉग मुश्किल है आना क्योंकि आपको पता है घर में किस तरीके का जो है सामान बिखरा पड़ा है, उनको समेटना है, और कार्य भी उतना ही ज़्यादा है, कभी झाड़ू मार रहे हैं, कभी कुछ पुताई का काम कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो उस काम में मोबाइल को लगातार व्लॉग दिखाते बनाते रहना वो बहुत मुश्किल हो रहा है। बाकी एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो नया साल है आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए, कामयाबी लेके आए, यही दुआ मैं माँ भगवती से करता हूँ। और इसी के साथ व्लॉग समाप्त करता हूँ, जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ व्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।